पब्लिक सिर्फ यही कह रही है कि सर परफ्यूम तो चलेगा और चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा भी। तो फिर ये जो ऑर्डर है ये हमारा आसाम के लिए है और कि अभी हैदराबाद के लिए है, तेलंगाना और धीरज। सो फिर चीजें अभी खत्म नहीं हुई, आगे अभी और भी ऑर्डर्स आपको दिखाने वाला हूँ। किल्स मैं आपको वो भी प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि चीजें रख ली सामने टेबल में और जिस तरीके से हमारे कस्टमर्स जेन्युइन है उसी तरीके से मैं भी ये चाहता हूँ कि चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो फिर क्या कहती है पब्लिक? पब्लिक सिर्फ यही कह रही है कि सर परफ्यूम तो चलेगा और चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा भी। सो फिर आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे परफ्यूम से रिलेटेड, और आज के जो कंप्लीट ऑर्डर्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से कस्टमर्स के काफ़ी बल्क में और परफ्यूम्स को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट और ऑर्डर प्रोसेस भी धीरे धीरे हमारा बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। और कस्टमर्स को परफ्यूम्स पसंद ही नहीं आ रही हैं बल्कि मार्केट्स में भी एक अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिल रहा है, स्पॉन्स कर रहे हैं। उस हिसाब से चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं कि हमारा परफ्यूम आपको एज अ नंबर वन मिलने वाला है, चाहे प्राइजिंग में हो या फिर क्वालिटी, जैसा भी आप समझो, दोनों तरीके से चीज़ें आपको 100% जो है मिलने वाली हैं। और इसी तरीके से आज के जो फुलफिल ऑर्डर्स हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन जगह से हमारे आज के ऑर्डर्स कलेक्ट हुए हैं और डिस्पैच होने को रेडी है। उससे पहले मैं चाहता था कि एक छोटा सा अपडेट ये होना चाहिए कि जो परफ्यूम्स हैं, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जो परफ्यूम्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया हम लोगों का जो है डिलीवरी सिस्टम जैसे चल रहा है उस तरीके से परफ्यूम भेजे जा रहे हैं। और यहीं पर मैं सबसे पहले एक कस्टमर्स के ऑर्डर के बारे में आपको दिखाता हूं, कैमरा लेके आ भाई। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, तो यहां पे इसकी स्लिप लेवल स्लिप्स भी लगी हुई हैं और ये कार्टून कुछ इस तरीके से पैकिंग की हुई आपको देखने को मिलेंगी। एवरेज अभी मिनिमम 4 kg की पैकिंग सॉल्यूशन लेके हम लोग लाए हैं। बाय द वे इससे प्रोसेस आपका बल्क ऑर्डर्स का है तो वो भी आपका पूरा किया जाएगा, उसमें कोई इशू कोई डाउट नहीं है। ये जो ऑर्डर है ये हमारा आसाम के लिए है और नाम मैं बताना चाहूँ तो कस्टमर्स जो कि ऑर्डर किए हुए हैं वो है आकाश बोरा। सो फिर आसाम के लिए ये हमारा ऑर्डर जो है पार्टी को जा रही है, कस्टमर्स को जा रही है। सेकंड मैं आपको बताना चाहूँ तो यही पे स्लिप्स लेवल स्लिप्स लगी हुई हैं, सारा चीज़ है, बार कोड्स एड्रेस पूरा कंप्लीट, कोई अधूरा काम जो है हमारा नहीं होता, पूरा सिस्टमेटिक चीज़ें रहेंगी। इनवॉइस डिटेल्स, कोरियर के जो बेसिक डिटेल्स हैं उसके साथ जो बार कोड्स हैं, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली रहती हैं। सो फिर ये है हमारे एक कस्टमर्स का जो कि अभी हैदराबाद के लिए है, तेलंगाना और धीरज सिंह के नाम से ये जो परफ्यूम्स पार्सल जो है बुक हुआ है। और ये तो हो गए हमारे दो पार्सल, अभी जो बल्क के प्रोसेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि काफ़ी सारे जो बॉक्सेस अभी हमने पैकिंग नहीं किए हैं, कुछ बॉक्सेस जो है पैकिंग होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप के सारे अलग अलग परफ्यूम्स आपको देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें मैं यहां से आपको स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो भी कस्टमर्स के ऑर्डर हैं पूरे बॉक्सेस में लिखे हुए दिखेंगे आपको। यहाँ पे हमारा केसर चंदन वुड्स कस्टमर को यहाँ पे भेजा गया है एज अ, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये केसर चंदन के परफ्यूम्स आपको देखने को मिलेंगी। और यहीं पे आगे मैं दिखाऊं तो ये है कस्टमर का वुड्स का ऑर्डर जो कि कुछ इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसमें दो टाइप के परफ्यूम्स डले हुए हैं। आगे आप नेक्स्ट की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे जो है मैग्नेट, यहाँ पे बॉक्सेस में आपको देखने को मिलेगा मैग्नेट 3 kg मस्क 1 kg। तो ये भी ऑर्डर जो है कस्टमर्स का किया हुआ है जिसमें मैग्नेट हो गया और मस्क जो हमारा एक स्वीट, और सॉरी ये निकल रहा है मस्क, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक मस्की
और बेटर फ्रेग्रेंस आपको इसमें से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया सेकंड बॉक्स। थर्ड बॉक्स जो कि ये कस्टमर्स के जो स्लीव्स लगे हुए हैं वो अलग ऑर्डर है, जैसे कि अभी मैंने जस्ट पीछे आपको बताया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मैजेस्टिक 3 kg, मतलब 3 kg का मैजेस्टिक का ऑर्डर है, जो कि एक फैंसी नोट्स में स्वीट फ्रेग्रेंस में एक अच्छा परफ्यूम आपको देखने को मिलेगा। एक फ्लावरी नोट भी इसमें से आपको देखने को मिलेंगी मैजेस्टिक। तो ये हो गया। आगे मैं दिखाऊं तो ये कुछ पैकिंग के लिए रेडी भी हो चुकी है, कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें हम लोग यूज कर लेते हैं ताकि किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन या कोरियर में इशू ना हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मोगरा। और आगे और मैं बॉक्सेस आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पे अभिलाषा है कुछ और स्पेयर पार्ट्स भी कस्टमर को भेजे गए हैं। सो फिर चीजें अभी खत्म नहीं हुई, आगे अभी और भी ऑर्डर्स आपको दिखाने वाला हूं। ये कुछ बॉक्सेस जिसमें से कंप्लीट पैकिंग की हुई है, ये है हमारा भारतवासी जो कि कंप्लीट 4 kg का पैकिंग की हुई है, ये भी डिस्पैच होने को रेडी है। आगे और दिखाता हूं, ये एक बॉक्सेस हमारी और बची हुई है जिसमें से ये है हमारा रजनीगंधा चंपा केवड़ा, जो फ्लावरी फ्रेग्रेंस मतलब फ्लावर जो नोट्स होते हैं उसके भी काफी सारे परफ्यूम्स कस्टमर्स को भेजे गए हैं। साथ ही साथ एक चीजें और जो है देखने को मिलेंगी, इस तरीके से कुछ अदर परफ्यूम्स या फिर जो सिमिलर परफ्यूम्स हैं उसके चेकआउट करने के लिए, फ्रेग्रेंस की टेस्टिंग के लिए कुछ ऐसे सैंपल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आखिरी और एक लास्ट बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें हमारा कौन सा परफ्यूम्स है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इम प्रीमियम, ये भी कस्टमर्स के लिए जो है ऑर्डर हुआ है। सो टोटल अभी हम लोग ऐसा कैलकुलेशन करें तो लगभग 8 बॉक्स कस्टमर्स को भेजे जा रहे हैं। और ये छोटे छोटे बॉक्स में रखने का कारण ये है कि किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोरियर में डैमेज का या फिर परफ्यूम में चीज़ें सुरक्षित और अच्छे तरीके से जाए, इसलिए हमने ये छोटे छोटे बॉक्स में कवर किया है, पैकिंग किया है। और इसके कंप्लीट बिल्स मैं आपको वो भी प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि चीज़ें रख ली सामने टेबल में और जो है वीडियो बना दी। सो आप जानते ही होंगे कि हमारा ऐसा प्रोसेस नहीं होता, जो भी चीज़ें होती हैं प्रूफ के साथ होती हैं, और जिस तरीके से हमारे कस्टमर्स जेन्युइन है उसी तरीके से मैं भी ये चाहता हूँ कि चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा रखती है। सो ये टोटल ऑर्डर्स जो को हमारे जेन्युइन और रेगुलर कस्टमर्स हैं, अतुलित दत्ता फ्रॉम अंबिकापुर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से ही ये सारा ऑर्डर किया हुआ है। और चीज़ें बहुत सारी हैं, मसाला अगरबत्तियाँ हैं, पैकेजिंग के कुछ मटेरियल्स भी हैं, और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सो फिर यही था आज का ये हमारा वीडियो, और चीज़ें मैंने कुछ इस तरीके से आपको बताने की कोशिश ज़रूर की। आपके मन में किसी भी तरीके से परफ्यूम अगरबत्ती बिजनेस से लेकर सवाल हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और कमेंट्स करके चीज़ों के बारे में आप पूछ सकते हैं। एनीवे अगर आपको परफ्यूम से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर्स है, किसी भी तरीके से इंक्वायरीज हैं, सो नीचे स्क्रीन में और जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उसमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाली किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।